नमस्कार, अर्थप्रकाश देख रहे आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए एक ऐतिहासिक कहानी को लेकर आए हैं। जी हाँ, ये कहानी है आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन के बारे में। महर्षि वाल्मीकि जी को हिंदू धर्म में श्रेष्ठ गुरु माना जाता है। आपको बता दें कि सनातन धर्म में महर्षि वाल्मीकि जी को पहला महान कवि माना गया है, क्योंकि उन्होंने महान हिंदू महाकाव्य रामायण को रचा था, जिसमें भगवान राम के पूरे जीवन को वृतांत दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि जी के माध्यम से ही श्री राम कथा रामायण के रूप में आज भी लोगों का उद्धार कर रही है। आदिकवि भी कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि जी को। आदिकवि शब्द आदि और कवि से मिलकर बना है। आदि का अर्थ होता है प्रथम और कवि का अर्थ होता है काव्य का रचिता। वाल्मीकि ऋषि ने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य की रचना की थी, जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम संस्कृति महाकाव्य की रचना करने के लिए वाल्मीकि आदि कवि कहलाए गए। ये माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था, तब माता सीता कई सालों तक महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में ही रही थी। यहीं पर उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था और यहीं पे उन्हें वन देवी के नाम से भी जाना गया है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि जी का भी उतना ही महत्व है जितना रामायण में राम सीता लक्ष्मण जी का। तब ही उन्होंने रामायण ग्रंथ लिखा था, जिसमें उन्होंने 24,000 छंद यानी कि श्लोक और 7 सर्ग यानी कि कांड लिखे थे। वाल्मीकि जयंती के दिन रामायण पाठ करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन रामायण का पाठ करने से वाल्मीकि जी के सभी दिव्य गुण व्यक्ति में संचारित होने लगते हैं। इसके अलावा वाल्मीकि जी श्री राम और माता सीता के प्रिय आदरणीय थे। ऐसे में इनकी पूजा करने से और वाल्मीकि जयंती के दिन रामायण का पाठ करने से भी श्री राम और माता सीता की विशेष कृपा मिलती है। वाल्मीकि महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र वरुण यानी आदित्य से इनका जन्म हुआ था। इनकी माता चाश्रनी और भाई भृगु थे। उपनिषद के मुताबिक ये भी अपने भाई की तरह परम ज्ञानी थे। धर्म ग्रंथों के मुताबिक महर्षि वाल्मीकि जी का पहला नाम रत्नाकर था। वे अपने परिवार को पालने पोषने के लिए डकैती चोरी लूटपाट करते थे। एक बार उन्हें निर्जन वन में नारद मुनि मिले। जब उन्होंने नारद मुनि को लूटने का प्रयास किया तो नारद मुनि के द्वारा किए गए प्रश्न में वो उलझ गए। उन्होंने पूछा कि यह काम तुम किसके लिए करते हो। उनके प्रश्न पर रत्नाकर ने जवाब दिया, ये काम वो अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने परिवार को पालने पोषने के लिए करते हैं। जब रत्नाकर ने उन्हें यह प्रश्न किया कि इसके फलस्वरूप जो पाप तुम्हें होगा उसका दंड भुगतने के लिए क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ होगा, नारद मुनि के प्रश्न का जवाब जानने के लिए रत्नाकर अपने घर गए। परिवार वालों से पूछा कि मेरे द्वारा किए गए काम फलस्वरूप मिलने वाले पाप के दंड में क्या तुम मेरे साथ होगे, और रत्नाकर की बात सुनकर उनके परिवार वालों ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने उनसे कहा कि वो उनके पाप में कोई भागीदार नहीं होंगे। रत्नाकर ने वापस आकर नारद मुनि जी को ये सारी बात बताई। तब मुनि जी ने कहा, जिन लोगों के लिए तुम बुरे काम करते हो यदि वे ही तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं बनना चाहते हैं तो फिर तुम क्यों ये पाप कर्म करते हो। नारद मुनि की बात सुनकर इनके मन में वैराग्य का भाव आ गया। अपने उद्धार के उपाय पूछने पर नारद मुनि ने इन्हें राम नाम जाप करने के लिए कहा। नगर वन में एकांत स्थान पर बैठकर राम जपने लगे। चलिए जानते हैं इनका नाम वाल्मीकि जी कैसे पड़ा। वाल्मीकि जी का नाम कैसे पड़ा। हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं जिसमें वाल्मीकि जी के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है, और उन्हीं में से एक मत यह है कि जब वाल्मीकि जी तपस्या करने वन में बैठे थे तब उनके शरीर में बहुत सारी दीमक लग गई थी और वो अपनी तपस्या में इतना ज़्यादा मगन हो गए थे कि कई दिनों तक उन्हें पता ही नहीं चला था। जब उन्होंने अपनी तपस्या पूरी होने पर आँखें खोली तो उन्होंने अपने शरीर पर पूरी तरह दीमक को पाया। दीमक जिस जिस जगह पर उनके शरीर पर फैले हुए थे और उन्होंने अपना घर बना लिया था उसी जगह को वाल्मीकि कहते हैं। दीमक जब
एक स्थान पे अपना घर बना लेते हैं तो उसको वाल्मीकि कहते हैं, इसीलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था। चेन्नई में थिरुवनमियूर में महर्षि वाल्मीकि जी का पहला मंदिर है जो कि 1300 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसे मार्कंडेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण चोल शासनकाल के दौरान किया गया था। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा करने के लिए महर्षि वाल्मीकि जी ने इस मंदिर में पूजा की थी। बाद में इस जगह का नाम थिरुवाल्मीकियूर रखा गया था जो अब थिरुवनमियूर में बदल गया है। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर 2023 को शरद पूर्णिमा के दिन वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी। वाल्मीकि जी के जीवन को विस्तार से जानकर आपको कैसा लगा है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।